दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन स्टूडियो इलाहाबाद में। दोस्तों थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज एक लेटेस्ट मुद्दे पर आपसे चर्चा करने वाले हैं, UP SSSC लेखपाल रिजल्ट अपडेट पर। दोस्त लगातार अगर देखा जाए आपको इस बात का कन्फ्यूजन्स बना हुआ है लखनऊ बेंच के संदर्भ में, इसकी अपडेट्स आप सभी को नहीं मिल पा रहे थे, तो बिल्कुल इसकी एक अपडेट मिली है आज इस वीडियो में। हम आपके बीच में पूरे फुल प्रूफ के साथ दिखाने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ आपके बीच में लगातार वायरल की जा रही थी, रोहित वर्मा जी वाली केस को लेकर, कि वो उनके द्वारा रेट को वापस ले लिया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है पूरी तरह से हम आपसे चर्चा करेंगे। नीचे देख पा रहे हैं जनरल OBC SC ST EWS कट ऑफ को लेकर, ठीक है, कट ऑफ पर भी अगर देखा जाए हमने आपके बीच में ऑलरेडी विस्तृत वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, फिर भी आपकी विशेष मांग पर यह वीडियो जा रहा है। नीचे देख पा रहे हैं DB के लिए कितने गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, और यहाँ रिजल्ट पर UP SSSC की क्या कुछ भविष्यवाणी हो रही है, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले हम आपके बीच में जो लखनऊ बेंच में आपकी रीट पड़ी हुई है उन सभी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। देखिए अगर हम आपसे बात करें, आप देख पा रहे हैं लखनऊ बेंच में अगर हम बात करें तो तीन रीट आपकी पड़ी हुई है। पहली रीट आपकी है 7663 वाली, जो कि इसमें सात क्वेश्चन का मामला अटका हुआ है, ठीक है, 7663/2022 को लेकर, ठीक है। और आपकी जो अगली रीट है 7913/2022 जो है 2022, इसमें जो है चार क्वेश्चन का मामला है। और आपका जो अगला है 99/2 जो है 2023, इसमें जो है आपके इसमें भी कुछ मामले हैं, ठीक है। और अगर बात करें हम इन तीनों रीट के संदर्भ में, आपको लगातार कोई अपडेट नहीं मिल पा रही थी, ना ही कोर्ट की वेबसाइट अपडेट की जा रही थी, खासकर लेखपाल के संदर्भ में, ठीक है। तो आज एक अपडेट निकल कर आ रही है। अच्छा, दो रीट अगर हम बात करें 7663 और जो है 99 वाले पर, तो कोई अपडेट नहीं मिली है, उन सभी स्टेटस को हम आपके बीच में दिखाएंगे। और यहाँ 79, ठीक है, 7913 वाले जिसमें चार क्वेश्चन का मामला था, उसमें कुछ अपडेट्स निकल कर आ रही है, उसको हम आपके बीच में साझा करते हैं। देखिए पहली रीट आपके बीच में सबसे ऊपर देख पा रहे हैं रीट नंबर लिखा गया है जो है 7913, ठीक है, 7913, यही इसमें चार क्वेश्चन का मामला आपके बीच में अटका हुआ है। देख पा रहे हैं 25 नवंबर आपकी फर्स्ट हियरिंग डेट, लेकिन आपकी जो अगली सुनवाई होनी है इन चार क्वेश्चनों को लेकर, इसमें आपकी कोई भी कनेक्टेड विद, आप रीट संख्या देख पा रहे हैं 7663/2022 जो है 2022 करके, इसमें कोई आपकी अगली तिथि नहीं दी गई है, ठीक है, ना ही आपकी कोई बेंच ID वगैरह दी गई है, हालांकि ये सिंगल बेंच में आपकी सुनवाई है लखनऊ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ एक जनरेटेड ऑन आप लेटेस्ट अपडेट को देख पा रहे हैं, 24/3/2023 9:49 पर यह जो है स्क्रीनशॉट लिया गया है, ठीक है। अब अगली हम आपको दिखाना चाहेंगे, इधर देख पा रहे हैं लिखा गया है 7246, ठीक है, इस रीट में अगर हम बात करें, इसे आप देख पा रहे हैं बाबू, इसमें जो है 15,000 संदिग्ध का मामला इसमें कहा गया था, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए सारी चीजें जहां की थी वहीं रह गई हैं। इसमें भी आप देख पा रहे हैं इसकी जो फर्स्ट हियरिंग डेट थी 21 अक्टूबर को थी, लेकिन इसमें भी अगर हम बात करें, इस पर भी कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, आपकी अगली सुनवाई कब रखी जाएगी, हालांकि ये चीज़ आप देख पा रहे हैं सिंगल बेंच में इसकी भी सुनवाई है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके बीच में हैं। एक अपडेट और आपके बीच में है, इधर देख पा रहे हैं 7663 वाले, ठीक है, अच्छा, इसमें सात क्वेश्चन का मामला है, इसमें भी आपकी अगली तिथि रीट संख्या पहली सुनवाई कब थी, 18 नवंबर की थी, लेकिन इसमें भी आपकी कोई भी सूचनाएँ नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए लगातार जो है नज़रें बनाए हुए हैं, जैसा भी होगा चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। लेकिन जो लोग कह रहे हैं रीट वापस ले ली गई है, बाबू मैं आपसे कहना चाहूँगा रीट आपकी वापस नहीं ली गई है, ये हमने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो 7913 वाली जो केस है, इसमें चार क्वेश्चनों को लेकर इसमें जो मामला अटका हुआ है, यह 27/3/2022 को अगली सुनवाई रखी गई है, ठीक है, कब, 27 मार्च 2023 को, आप याद रखिएगा। बेंच ID जो आपकी दी गई है 3012 में इसकी जो सुनवाई है वो रखी गई है। अगला एक चीज यहां जो आप कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे कि भैया इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो देखिए हम मोटे तौर पर आपसे बताना चाहेंगे, जो जनरल कैंडिडेट है अगर जनरल की हम बात करें, तो इसकी जो फाइनल कट ऑफ जाने की संभावनाएं हैं वह मानकर चलिएगा कि 78 से 80 के आसपास में इसकी कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ रिजल्ट पर UP SSSC की भविष्यवाणी, देखिए UP SSSC पहले ही मना कर चुका है, जब तक यह
कोर्ट केस की फाइनल सुनवाई नहीं हो जाती तब तक हम आपका किसी भी प्रकार का रिजल्ट घोषित नहीं करेंगे। तो बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा, फाइनल डिसीजन आने के बाद ही आपके जो भी रिजल्ट होंगे वो आपके बीच में घोषित किए जाएंगे। लेकिन एक संभावना मात्र जाहिर की जा रही है कि 15 अप्रैल तक आपके रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं। फिलहाल के लिए अगर कोर्ट केस का मामला अगली डेट आपकी मिलती रहे तो जो 15 अप्रैल की संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं वो पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट्स, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।